Hello everyone, welcome back to my channel Simplify with Aditi Roya. It has been a really long time since I met you guys, but finally I am back. This video is related to all the recent changes that have been made in the class 10 social science syllabus. All you need to know about the class 10 social science syllabus you will find in this video. Let us start. We'll be discussing all the major changes and all the major points that you need to keep in your mind related to the semester 1 of your exam. सबसे पहली चीज़, सेमेस्टर वन के एग्जाम्स होंगे ही कब, तो टेंटेटिव डेट जो है वो है नवंबर या दिसंबर. जब डेट शीट आएगी यू विल गेट टू नो. सो फिलहाल हमें इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आपका जो एग्जाम होगा या तो वो नवंबर में होगा या दिसंबर में होगा. सेकेंडली, एग्जाम कितने मार्क्स का होगा? एग्जाम केवल 40 मार्क्स का होगा. इस मार्क की सेमेस्टर वन की वेटेज होगी 40 मार्क्स. सोशल साइंस के सिलेबस में यू हैव फोर बुक्स, दैट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस. चारों ही बुक्स आएंगी और चारों ही बुक्स की जो वेटेज है वो 10-10 ईच है, यानी हिस्ट्री 10, ज्योग्राफी 10, इको 10 एंड पॉल साइंस 10. चारों बुक्स 10 ईच की हैं, दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 40 मार्क्स. अब कमिंग टू द मेजर पॉइंट कि कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं. स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से. हिस्ट्री की बुक है तो बहुत बड़ी, लेकिन सेमेस्टर वन के सिलेबस में केवल एक ही चैप्टर आएगा, दैट इज नेशनलिज्म इन यूरोप. सो एक ही चैप्टर लर्न करना है हिस्ट्री में, दैट इज नेशनलिज्म इन यूरोप. देन ज्योग्राफी में इफ यू सी द सिलेबस, उसमें तीन चैप्टर्स मेंशन है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फिर वाटर रिसोर्सेज और फिर एग्रीकल्चर. अब इसमें से जो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है और एग्रीकल्चर है, ये तो पूरा आएगा, पूरा प्रिपेयर करना है. लेकिन जो वाटर रिसोर्सेज वाला चैप्टर है उसका थियोरेटिकल एस्पेक्ट बोर्ड्स में नहीं आएगा. वाटर रिसोर्सेज का केवल मैप क्वेश्चन आएगा बोर्ड्स में, दैट इज ज्योग्राफी फॉर यू. देन पॉलिटिकल साइंस में देयर आर ओनली टू चैप्टर्स. फर्स्ट इज पावर शेयरिंग एंड द सेकेंड वन इज फेडरलिज्म, जो कि पेपर में आएगा. एंड फोर्थ, दैट इज इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में भी देयर आर ओनली टू चैप्टर्स, दैट इज डेवलपमेंट एंड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. सो ओवरऑल अगर आप बोर्ड्स का सिलेबस काउंट करोगे तो देयर आर ओनली 7 चैप्टर्स जो कि आपको सेमेस्टर वन के लिए प्रिपेयर करना है. दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द सिलेबस. नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज वॉट विल बी द क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट, द एग्जामिनेशन पैटर्न एंड वन ऑफ द मेजर चेंजेस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय सीबीएसई दिस ईयर. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, इस बार का सेमेस्टर वन का जो आपका एग्जाम होगा वो केवल ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न पे होगा. ओनली एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, तो आपको लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर लर्न करने की जरूरत ही नहीं है. केवल 1-1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, वो भी केवल एमसीक्यू, ना तो ट्रू और फॉल्स, ना फिल इन द ब्लैंक्स, केवल एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे. नाउ अब सीबीएसई ने बहुत ही रिसेंटली अपनी वेबसाइट पे एक सैम्पल पेपर लॉन्च किया है. वो सैम्पल पेपर में सारे हमें लेटेस्ट फॉर्मेट देखने को मिल रहे हैं. इस वीडियो में हम सोशल साइंस का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे. इफ यू वांट मी टू मेक मोर सच वीडियोस रिलेटेड टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. तो मैं दूसरे सब्जेक्ट्स के भी सिमिलर वीडियोस अपलोड कर दूंगी. फिलहाल हम डिस्कस करेंगे सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट. सोशल साइंस का जो आपका पेपर रहेगा, क्वेश्चन पेपर, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 4 मेजर सेक्शंस और चारों ही सेक्शंस में इंटरनल चॉइस है, तो बहुत ही बढ़िया. देन सेक्शन ए में देयर विल बी 24 क्वेश्चंस, जिनमें से 20 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं. ऑल्सो ये क्वेश्चंस मेजरली फैक्ट बेस्ड या बुक में जो टेक्स्ट लिखा है डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, कुछ घुमा फिरा के नहीं पूछे जाएंगे, दे विल बी डायरेक्ट क्वेश्चंस. जो सेक्शन बी है इसमें आपके 22 क्वेश्चंस होंगे एंड आउट ऑफ दिस 22 क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर 18 क्वेश्चंस. अब इन 18 क्वेश्चंस में खास बात क्या है, वाई आर दे डिफरेंट फ्रॉम सेक्शन ए? सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस बहुत ही डायरेक्ट नेचर के हैं, लेकिन सेक्शन बी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से एनालिसिस बेस्ड हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी चैप्टर पढ़ा है तो आपको अलग अलग सेक्टर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा. अब सेक्शन डी में क्वेश्चन आपको दे देंगे दैट देयर इज अ वर्कर और वो वर्कर इस पर्टिकुलर कंडीशन में काम कर रहा है, ये उसके वर्किंग कंडीशंस हैं, ये उसके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैं, तो आपकी समझ के हिसाब से वो वर्कर कौन से सेक्टर से रिलेटेड है. तो सेक्शन बी के जो क्वेश्चंस हैं दे विल डिमांड सम काइंड ऑफ एनालिसिस, सम काइंड ऑफ रीजनिंग फ्रॉम योर पार्ट, बट दे विल बी ऑल्सो वेरी सिंपल. देन कमिंग टू सेक्शन सी, सेक्शन सी जो है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यानी कि आपको एक पैराग्राफ दे देंगे, यू विल हैव टू थरली स्टडी द पैराग्राफ, अच्छे से रीड करना पैराग्राफ को, और फिर पैराग्राफ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको आंसर करने होंगे. ओके, सेक्शन सी में भी चॉइस है, उसमें 12 क्वेश्चंस होंगे एंड आउट ऑफ दोस 12 क्वेश्चंस आपको केवल 10 क्वेश्चंस आंसर करने हैं. सो तीनों सेक्शंस में तीन डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं. सेक्शन ए इज डायरेक्ट एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, सेक्शन बी में थोड़ा सा एनालिसिस वाला क्वेश्चन है एंड सेक्शन सी इज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. फिर बचा सेक्शन डी, सेक्शन डी सिंपल मैप बेस्ड क्वेश्चन.
मैं आपके केवल दो ही क्वेश्चंस होंगे और दोनों आंसर करने हैं, वो भी एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगा। यानी आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको लोकेट नहीं करना। आइडेंटिफिकेशन एंड लोकेशन इज लाइक कि मैप पे कोई चीज़ ऑलरेडी लोकेट करी हुई है, आपको जस्ट बताना है, उसका नेम बताना है। लोकेटिंग में क्या होता है कि आपको नेम दे रखा होता है, आपको मैप पे पोजिशन बतानी होती है। सो टर्म वन का जो पेपर है उसमें मैप में केवल आइडेंटिफिकेशन है, आपको मैप पे लोकेशन नहीं लर्न करनी, आपको नेम्स बताने होंगे। जस्ट दैट टू ऑप्शन एमसीक्यू में दे रखे होंगे, यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सो दैट इज योर सोशल साइंस सिलेबस एंड एग्जामिनेशन पैटर्न, हाईली सिंप्लीफाइड बाय मी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट, आई बी हाईली ग्रेटफुल। Also comment down below to let me know if you want more such videos for different subjects. I'll see you next time.